भैया आज हम लोग का स्ट्राइक का दूसरा दिन है। हम लोग का भैया मेन मुद्दा ये रोज कमाने खाने वाले इंसान है भाई। 300-400 रुपए रोज कमाते हैं, बताइए 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिए, कैसे काम चाहिए? इतना का हम लोग के पास होता भाई तो गाड़ी थोड़ी ना चलाते भाई। पुलिस भी सम्मिलित हो, कितना 100 रुपये इसमें सभी लाइन के ड्राइवर लोग सम्मिलित है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, ई रिक्शा चालक हो, बस हो, ट्रक हो, हर आदमी के लिए दिक्कत है इसमें। क्या मांगे हैं आपके सर? सर हम लोग की मांगे बस यही है कि ये जो बीजेपी सरकार बिल पास कर रही है, इस बिल को रोका जाए। इस बिल का हम ड्राइवर के लिए कोई फायदा नहीं पैसा है। नहीं दिया है, कब आप लौटेंगे काम पर? सर अभी तो कोई इरादा नहीं, जब तक कि ये बिल वापसी नहीं होती है और इसको रोका जाए जल्द से जल्द। बस सरकार से यही मांग है कि भाई ड्राइवर आदमी है, हर किसी के लिए दिक्कत हो जाएगी इस बिल से। ये स्ट्राइक इस मारे चल रहा है सर कि 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए और 10 साल की सजा। तो हम लोग इतना तो नहीं कमाते हैं जितना 7 लाख रुपए दे पाए। सब ड्राइवर आदमी हम लोग हैं, इसमें सभी ड्राइवर हैं, सबने हड़ताल कर रखा है, इसीलिए कर रखा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं सवारियों को भी है और उससे ज्यादा हम लोग को भी है, क्योंकि हम ही लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और इससे अगर हड़ताल रहेगी तो भी हम लोग कैसे कमा पाएंगे। बस ये हड़ताल जो उन्होंने करी है, मांगे अपनी पूरी कर ले। करीब 1 तारीख से 3 तारीख आपका हड़ताल पे है। क्या मुख्य वजह है? वजह यही है कि इन्होंने जो शाह जी ने जो नियम निकाला है कि अब 7 साल की जो है वो आर्थिक दंड देंगे और जो है आपको 10 साल की सजा देंगे, उसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं 3 दिन के लिए हड़ताल पे, ओला उबर सारी गाड़ियां। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग इतना कम कमाते हैं, उसके बावजूद हम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए कहाँ से जुर्माना भुगतेंगे? इतनी कम कमाई में हम लोग नहीं भुगत सकते, इससे बढ़िया हम चलाएं ना वही ठीक है। गाड़ी क्यों चलाएं बताइए, रिस्क क्यों लें? इतना 24 घंटे रिस्क ले रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये बताइए, सामने से अगर ठीक है आदमी चला रहा, हमारी गाड़ी लड़ गया, तो उसमें दोष किसका है? उसी का है ना, और भुगतेगा कौन? बड़ी गाड़ी वाले की हमेशा गलती दी जा रही है। समस्या ये है, कहीं भी अगर ड्राइवर रुक जाता है कितना मारा जाएगा, ये आपने सोचा है? कभी सोचते ही नहीं, को सोचे तब ना, क्यों रुकेगा भाई? ड्राइवर कभी नहीं रुकता, इसीलिए नहीं रुकेगा ना, इसलिए भागता है। मार क्यों खाए भाई? वहां तो पब्लिक मार देगी उसको। ये सब समस्याएं हैं, इनको समझना चाहिए। इसको उठा के अपना जाएं, हम लोग भर्ती करा दें, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट कराने को राजी हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना, वहां रुक जाएंगे तो मार खा जाएंगे, ये भी तो एक समस्या है। या तो कोई हाथ ना उठाए, ऐसा कोई नियम पारित किया जाए। ऐसा नियम क्यों पारित किया जाए भाई? हम रुकते हैं, पहली बात तो यही है, वहां मार खाने के थोड़ी ना कोई रुकेगा।